रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है घेरे। जी हाँ, यह है ललदद्य जी का पहला वाक। ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता सिद्ध की है। वो कहना चाहती हैं कि वो ईश्वर को पाने के लिए जो प्रयास करती हैं वे व्यर्थ हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि उनके वे प्रयास कौन कौन से हैं। तो पहले देखेंगे, यहाँ पर आपको इस चित्र में एक व्यक्ति दिख रहा है, एक नाव दिख रही है और कच्चा धागा दिख रहा है और रस्सी दिख रही है। यह व्यक्ति नाव को खींच रहा है। इस चित्र में यह व्यक्ति नाव को अपने हाथ से खींच रहा है, बल्कि कवित्री कहती है कि वह कच्चे धागे से बनी हुई रस्सी से नाव को खींच रही है। यह दूसरा चित्र है। यह चित्र वास्तव में कुंभ के मेले का है, लेकिन मुझे भवसागर समझाने का इससे बेहतर दूसरा चित्र कोई मिला नहीं। भवसागर क्या? भवसागर का अर्थ है यह संसार रूपी सागर, जहां बहुत से लोग हैं, बहुत सी बातें हैं। पहली पंक्ति में कवित्री कहती है कि उसकी रस्सी कच्चे धागे से बनी है और वह उस रस्सी के द्वारा नाव खींच रही है। उसके बाद अगली पंक्ति में कहती है कि जाने कब मेरी पुकार सुनकर मेरे ईश्वर मुझे भवसागर से पार करा देंगे। अगली पंक्ति में उसका कहना है कि पानी टपके कच्चे सकोरे। तो पानी आप जानते हैं, पानी टपकना रिसना, और कच्चे सकोरे मतलब ये मिट्टी के कच्चे बर्तन। अगर हम इस कच्चे बर्तन में पानी भर दें तो वो बहुत दिनों तक टिकेगा नहीं, वो बहुत देर तक टिकेगा नहीं, वो रिसेगा, बाहर आता रहेगा, धीरे धीरे करके ये घड़ा, ये सकोरा खाली हो जाएगा और सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा। कवित्री अपने प्रयासों को भी इसी तरह से मानती है कि जैसे कोई कच्चे सकोरे में पानी भर दे, ऐसे ही उसके प्रयास हैं जो टिकने वाले नहीं हैं। और इसलिए वो कहती है कि जी में उठती रह रहे हूक। हूक क्या है? इसके लिए हम एक चित्र देखेंगे। ये है बेचैनी, रेस्टलेसनेस। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, घड़ी टिक टिक किए जा रही है और 2 घंटे बाद हमें पता लगता है कि हमने केवल 1 प्रश्न लिखा है, तो हमारे मन में एक बेचैनी पैदा होती है कि कैसे हम कर पाएंगे। जब समय धीरे धीरे या तेजी से पार होता जा रहा है, समय हमारे पास कम है, समय नष्ट होता जा रहा है और हम अपने लक्ष्य को नहीं पा रहे हैं, तब हमारे मन में जो भावना उठती है वो है हूक, जो इसके चेहरे पर शायद दिखाई पड़ती है। आखिरी पंक्ति में कवित्री कहती है कि उसे घर जाने की चाह घेरे हुए है। घर, घर का अर्थ है होम। और उसका छुपा हुआ अर्थ क्या है? उसका छुपा हुआ अर्थ है कि वो ईश्वर से मिल जाना चाहती है, वही उसके लिए लक्ष्य है, वही उसका घर है, वही उसका गंतव्य है। जैसा कि आप कबीर की कविताओं को पढ़ते हुए पाएंगे कि वो कोई भी बात प्रतीकों में लिखते हैं, सिंबल्स में लिखते हैं, इसी तरह से आपको इस कविता में मिलेगा कि कई चीजें दूसरी चीजों का प्रतीक हैं। जैसे कि नाव देह का, कच्चे धागे की रस्सी कमजोर साधनों का या सांस का, मिट्टी के कच्चे सकोरे देह का और उनमें भरा हुआ पानी जो लगातार रिस रहा है वह आयु का। जिस तरह से सकोरे में भरा हुआ पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, उसी तरह से उसकी आयु भी लगातार कम हो रही है। और घर जाना मोक्ष का प्रतीक है। मोक्ष का अर्थ है जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। और मोक्ष बुद्धिज्म में, जैनिज्म में या हिंदुइज्म में, किसी भी धर्म में सबसे बड़ा पुरुषार्थ माना गया है, मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य माना गया है। तो अब कविता का अर्थ समझेंगे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए जो कवित्री साधन कर रही है वो सब नश्वर हैं, कमजोर हैं। इन साधनों के द्वारा वो अपनी नाव यानी अपनी देह को
खींच रही है, आगे बढ़ा रही है। उसे बस ईश्वर का भरोसा है कि कब वे उसकी पुकार सुनकर उसे भवसागर से पार करा देंगे। उसे पता है कि बिना ईश्वर की सहायता के यह काम संभव नहीं है। उसके सामने कुछ और परेशानियां भी आ रही हैं कि धीरे धीरे उसकी उम्र घट रही है। उसके कच्चे सकोरे से पानी टपक रहा है, रीत रहा है। उसके प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं और जैसे जैसे उसके प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं, असफल होते जा रहे हैं, उसके मन में बार बार हूक सी उठती है। वो बेचैन हो जाती है और उसे घर जाने की चाह अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की चाह घेरे हुए है, फंसाए हुए है। वो मोक्ष प्राप्त करना चाहती है। और इसी के साथ मैं इस पाठ को भी समाप्त करना चाहता हूँ। आशा है कि आप अगले पाठ को सुनने के लिए अवश्य आएंगे। धन्यवाद।